हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार अगेन आपको बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में स्वागत करता है। तो हम लोग आज बेसिक केमिस्ट्री के सीरीज में थर्ड लेक्चर्स में हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। बेसिक केमिस्ट्री हम लोग सीख रहे हैं, एकदम छोटा एलिमेंट्री केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं, और ये है मेरा लेक्चर नंबर थर्ड। तो अप टू हमने देख लिया था कि पीरियोडिक टेबल्स में 118 एलिमेंट्स का, है ना, कलेक्शंस किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि हम लोग एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर सकें, है ना, मतलब बहुत आसानी से उसको सीख सकें। तो अभी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। हालांकि हमने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, फिर भी मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। चलिए, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, इस तरह का फॉर्मेट का पीरियोडिक टेबल होता है, और ये याद रहना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, है ना। ये आपको याद होना ही चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो आप समझो कि केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स तो याद ही होने चाहिए। तो आपको मैंने बोला था कि ये जो होता है इसे बोला जाता है एस ब्लॉक, है ना, और इसे बोला जाता है पी ब्लॉक। हम लोग बाद में बातें करेंगे कि इसे एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, और इसे डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, और उसके नीचे होता है आपका इस तरह से एफ ब्लॉक, है ना, एफ ब्लॉक होता है। तो ये हम लोग चार ब्लॉक्स में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक्स में दो ग्रुप्स होते हैं, आपको मैंने बताया था एस ब्लॉक में इस तरह से दो ग्रुप होते हैं, और पी ब्लॉक में 13 से शुरू होता है। पी ब्लॉक में कहाँ शुरू होता है, 13 से शुरू होता है और आगे बढ़ते जाता है। 13 हो गया इस तरह का, है ना, यहाँ फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, 1, 2, है ना, फिर यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस तरह से हमारा ग्रुप्स होता है और 7 पीरियड्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 3 से 12 वाले ग्रुप जो होते हैं, 3 to 12 ये क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक्स में आते हैं, है ना, 3 to 12 डी ब्लॉक्स में आते हैं। और एफ को क्या, एफ जो होता है ए ब्लॉक, वो थर्ड पीरियड में होता, सॉरी थर्ड ग्रुप में होता है। हमें से याद रखना कि थर्ड ग्रुप में एफ वाला होता है, है ना। कोई पूछे कि ए ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, तो आप बताओगे कि ये थर्ड ग्रुप में आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, इस तरह का दिखता है। अब हम लोग ग्रुप वाइज करके पहले सारे एलिमेंट्स को सीखेंगे, फिर हम लोग पीरियड्स में भी देखेंगे कि पीरियड्स के एलिमेंट को कैसे याद रखना है। तो चलिए शुरू करा जाए ग्रुप्स वाइज एलिमेंट को याद रखना। तो पहले हम लोग सीखेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को, है ना। सबसे पहले सीखेंगे बच्चों किस ब्लॉक को, एस ब्लॉक्स के एलिमेंट को। तो एस ब्लॉक में सबसे पहला क्या आता है, ग्रुप वन आता है। तो ग्रुप वन के एलिमेंट को सीखेंगे। तो ग्रुप वन में कौन कौन एलिमेंट है, तो ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है हाइड्रोजन, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबेडियम, एंड इधर लिख देता हूँ, है ना, रुबेडियम हो गया, फिर सीजियम हो गया एंड फ्रेंसियम हो गया। इतने हैं, इतने एलिमेंट्स हैं ग्रुप वन में। अब इन्हें आपको याद रखना है, अलोंग विथ एटॉमिक नंबर, अलोंग विथ
एटॉमिक नंबर, मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, इनके सिंबल भी लिख दिए हैं, है ना, संकेत जिसको हिंदी में बोलते हो आप लोग, तो ये सारा कुछ मैंने लिख दिया है। तो आपको इसका जेड भी याद रखना है, एटॉमिक नंबर भी याद रखना है बेटा। एटॉमिक नंबर बिना याद किए हुए आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका एटॉमिक नंबर का एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो केमिस्ट्री में मैजिक नंबर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत जगह यूज़ होता है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर एक होता है केमिस्ट्री में। तो मैजिक नंबर क्या होता है, देखो मैजिक दिखाने वाला नंबर, बहुत मतलब मैजिक नंबर इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसका केमिस्ट्री में काफ़ी रोल है और हर जगह ये दिखता है इसलिए, और ये कुछ कुछ घटनाएं करता है तो इसलिए इसको मैजिक नंबर बोला जाता है। जैसे इसको बोलता है 28, है ना, 8, 18, 18 and 32, इसको बोला जाता है मैजिक नंबर। दिस नंबर आर कॉल्ड मैजिक नंबर, इस नंबर को हम लोग मैजिक नंबर कहते हैं। तो देखिए अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ा है एटॉमिक नंबर को, तो हमें 2 बढ़ाना पड़ा है, हमें 2 बढ़ाना पड़ा है, मतलब फर्स्ट मैजिक नंबर हम लोग बढ़ाए हैं। अब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो 11 होगा जिसमें हम लोग सेकेंड मैजिक नंबर बढ़ाएंगे, फिर थर्ड मैजिक नंबर बढ़ाएंगे, है ना, थर्ड भी मैजिक नंबर 8 ही है, तो ये क्या हो गया 19, फिर हम लोग एक और मैजिक नंबर 18 के पर आ जाते हैं, फिर यहाँ से आ जाता है आपका 37, फिर आपका फिर से 18 बढ़ेगा, तो 18 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 18 ऐड करो, 18 ऐड करो तो आपका क्या मिल जाएगा, सीजियम का आ जाएगा, मिल जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये, है ना, ये 55 हो जाएगा, है ना, फिर आपका इसमें 32 लास्ट वाला मैजिक नंबर का एडिशन होगा, यानी कि हो जाएगा ये 32, यानी कि आपका 7 और ये होगा 8, मतलब 5 2 7 और 5 3 8, तो ये हो गया आपका 87 हो गया। तो 87 एटॉमिक नंबर होता है किसका, फ्रेंसियम का, और सीजियम का 55 होता है। तो इस तरह से देखो आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया है ना। मैंने क्या आपको एक ही हाइड्रोजन का ही बस पता रहना चाहिए, पहले ऊपर वाला जो ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है बस, अगर उसका पता है एटॉमिक नंबर तो आप सभी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो इस मैजिक नंबर का यूज़ करके। मैंने क्या किया है, पहले 2 बढ़ाया है, फिर 8, फिर नीचे वाले का मिल गया एटॉमिक नंबर, फिर उसमें 8 बढ़ाया है, फिर उससे नीचे वाले का मिल गया, फिर उसमें 8 बढ़ाया है, फिर उससे नीचे वाले का मिल गया, फिर उसमें 18 बढ़ाया है, उससे नीचे वाले का मिल गया, फिर मैंने 18 बढ़ाया है, उससे नीचे वाले का मिल गया, फिर मैंने लास्ट में 32 बढ़ाया है, लास्ट वाला मैजिक नंबर, और मुझे नीचे वाले का मिल गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए तो ये हमारा मैजिक नंबर हो गया, और इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर याद कर लिए। तो हमने एटॉमिक नंबर तो याद कर लिया, हमने एलिमेंट्स को तो देख लिया ग्रुप वन में कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं, बट इसके इसे याद रखने का तरीका क्या है, इसे याद कैसे रखोगे, ऐसे तो याद नहीं होगा ना ये, है ना। तो इसे याद करने का भी मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, है ना, एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि कैसे याद रखोगे इसको, है ना। तो बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको सीखेंगे। देखो ऐसे याद रखो, देखो सीन याद रखना है ना, आपको क्या याद रखना है, सीन याद रखना है, जो मैं सीन बताऊंगा बस वो याद रखना है। जैसे देखो एक लड़की है जिसका नाम हलीना है। अब आपको पता है अक्सर जैसे कि हर एक इंसान का एक टेंडेंसी होता है, और लड़कियों का खास करके टेंडेंसी होता है, वो अपने आप को जैसे कि किस तरह से ऑब्सेसिव, किस लिए ऑब्सेसिव होते हैं, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा है ना उतावले होते हैं, तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ज़्यादा उतावले होते हैं। तो अक्सर लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि हम सुंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखें, तो ये ऐसी बातें हैं है ना। तो ऐसी ही नाम की एक मतलब एक लड़की है हलीना, उसको सुंदर दिखने का बड़ा शौक़ है ना, सुंदर दिखने का बड़ा शौक़ है। तो हलीना को सुंदर दिखने का शौक़ है, लेकिन हर लड़की जो होती है ना अपने अंदर में उसके अंदर जो भी कुछ है ना उसको कमतर आँकती है, दूसरे के कंपेरिजन करेगी हमेशा, और वो बोलेगी कि यार उससे मेरा कम है, उसके बराबर मेरा क्यों नहीं है। तो वही
हालत इसका इस लड़की का भी है। ये लड़की जो है हलीना सुंदर तो है लेकिन दूसरे के कंपेरिजन करती रहती है कि उससे मैं क्यों नहीं सुंदर ज़्यादा हूँ, है ना, उससे मेरा उसके रिस्पेक्ट में मेरा ये होता मेरा वो होता, तो ऐसा ही हालत है। तो हमेशा इस बात को लेकर वो फ्रस्ट्रेट रहती है, उदास रहती है और हमेशा भगवान को कोसती रहती है, शिकायत करती रहती है कि भगवान मेरे को ऐसा क्यों नहीं बनाया, फलनवा से मेरे को कुछ सुंदर क्यों नहीं बनाया, है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरे को सुंदर क्यों नहीं बनाया, वो जलती रहती है। तो ऐसा हमेशा वो कंप्लेन करती रहती है भगवान को। तो यही बात यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे कि और उस लड़की के बारे में हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि हलीना, है ना, याद रखना हलीना एक लड़की है, हलीना की रब से फरियाद, है ना, फरियाद मतलब होता है बेटा शिकायत करना, है ना, तो हलीना की रब से फरियाद, हलीना जो लड़की है भगवान से फरियाद करती रहती है, शिकायत करती रहती है। तो जैसे देखो यहाँ पे ह मतलब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, ली मतलब क्या होगा लिथियम, ना मतलब क्या होगा सोडियम, जैसा लिखा गया वैसे ही लिखना आप लोग, है ना, मतलब हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो ऐसे, तो हलीना बन गया। और की मतलब हो गया पोटेशियम, है ना, रब मतलब रुबेडियम, से मतलब सीजियम एंड फरियाद मतलब फ्रांसियम। तो ये इस तरह से आपको सारे नाम पता हो जाएंगे, है ना, कि किसका क्या मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत मज़ा आया होगा, ये आसान सा ट्रिक आपको समझ में आया होगा। बस सीन याद रखो कि सीन में किसको क्या बोला जा रहा है, अपने आप ही ये फ्रेज याद रह जाएंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हाँ, तो ये हो गया आपका हलीना की रब से फरियाद। तो इसी तरह से ट्रिक से हम लोग सारे एलिमेंट्स सीखेंगे, है ना, ग्रुप के एलिमेंट्स पहले सीखेंगे जो मेन ग्रुप्स के एलिमेंट हैं। तो चलिए हम लोग अब आ जाते हैं एस ब्लॉक में ग्रुप टू में, यानी ग्रुप टू यानी कि दूसरे ग्रुप में। तो दूसरे ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आता है, तो आपको पता होगा कि दूसरे ग्रुप में जब आप पीरियोडिक टेबल लेकर बैठोगे तो आप देखोगे कि यहाँ आता है बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रॉन्सियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रॉन्सियम, बैरियम एंड रेडियम, है ना, रेडियम। तो ये एलिमेंट्स आते हैं किसमें, ग्रुप टू में। अब ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स के जेड भी देख लेते हैं भाई, तो चलो जेड देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक क्रम संख्या, है ना, तो बेरिलियम का क्या होता है, देखो ये क्या होता है, लिथियम के जस्ट बगल में आता है, लिथियम के जस्ट बगल में, तो लिथियम थ्री है तो उसका क्या होगा फोर होगा, तो ऐसे आप जान सकते हो कि लिथियम के जस्ट बगल में आता है तो फोर होगा वो, है ना, तो फोर हो गया। अब देखो यहाँ पे लिथियम से पहले हाइड्रोजन था बट बेरिलियम से ऊपर कुछ नहीं है, तो हमने इसमें क्या करा था, दो बढ़ाया था क्योंकि लिथियम से पहले हाइड्रोजन था बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर से दो बढ़ेगा ही, मतलब मान लेते हैं कि ऊपर से दो बढ़ चुका है, ऑलरेडी फोर आ चुका है, अब हमें यहाँ से नीचे जाना है, यानी कि मैं मैजिक नंबर एट से शुरू करूँगा, तो मैं यहाँ पे मैजिक नंबर एट का यूज़ करूँगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 12 हो गया, फिर मैं 8 जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर मैं 18 जोड़ूँगा नेक्स्ट मैजिक नंबर तो क्या हो जाएगा 38, फिर से मैं 18 जोड़ूँगा तो क्या हो जाएगा, है ना, सही जा रहा है ना, 4, 8, 12, 12, 8, 20, 20, 38, ठीक है, सही जा रहा है। तो ये हो गया 8, 8, 16 और 3, 1, 4 और 1, 5, ठीक है, 56 हो गया, और उससे नीचे जाऊंगा तो फिर लास्ट मैजिक नंबर कितना यूज करूंगा 32, तो 32 यूज करूंगा तो कितना हो जाएगा देखो, है ना, ये हो गया 6, 2, 8 और 5, 3, 8 यानी 88 हो गया, देखो 88 हो गया। तो इस तरह से 88 आपका एटॉमिक नंबर
रेडियम का हो गया। तो ये हमने क्या किया, एलिमेंट्स के साथ साथ इसके एटॉमिक नंबर को भी याद कर लिया। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, इससे आसान क्या होगा, बहुत आसान है। अब इस के एलिमेंट्स को भी हम लोग याद करेंगे, इसके एलिमेंट्स को भी याद करेंगे, है ना, इसके एलिमेंट्स को भी हम लोग ट्रिक्स के मदद से याद करेंगे, जैसे हमने ग्रुप वन के एलिमेंट्स को याद किया। देखिए तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसको कैसे याद रखना है, जब एलिमेंट्स याद रहेगा तभी तुमको एटॉमिक नंबर भी याद रहेगा। अगर एलिमेंट्स ही भूल गए तो एटॉमिक नंबर का आता पता ही नहीं रहेगा, कहाँ गया, गायब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक सीन याद रखो ऐसा कि एक लड़का है, अभी जस्ट 10th का एग्ज़ाम दिया है ना, या कोई भी एग्ज़ाम दिया है, मान लो कोई भी देख सकते हो आप लोग, तो कोई भी एग्ज़ाम दिया है और वो एक अमीर पेरेंट का, अमीर बाप का बेटा है, अमीर फैमिली का बेटा है, एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद एक अच्छा स्कोर लेके आया है ना, अच्छा स्कोर लेके आया है, तो पिताजी बहुत खुश, घर वाले बहुत खुश, एकदम सीना चौड़ा हो गया। तो अब वो इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करता है अपने पिता को, बोलता है कि मैं कॉलेज तभी जाऊंगा जब मेरे को एक बाइक दिलाओगे आप और एक कार दिलाओगे। अमीर बाप का बेटा है तो मांग ही सकता है, कोई हर्ज ही नहीं है, तो मांग लिया वो, है ना, और पिताजी अमीर है, रईस है, दे दिया। तो उस केस में हम लोग क्या कोटेशन कोट कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे ऐसा कि बेटा मांगे, ऐसा बोलेंगे ना कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोलेंगे उसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आसमान में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखो यहाँ पे बेटा का मतलब हो गया बेरिलियम, मांगे का मतलब हो गया मैग्नीशियम, है ना, राजी मतलब है ना एग्री है, कार का मतलब हो गया कैल्शियम, स्कूटर का मतलब हो गया स्ट्रॉन्शियम, बाप का मतलब हो गया बैरियम और राजी का मतलब हो गया रेडियम। तो देखो कितना आसानी से मैंने ये एलिमेंट्स को आपको याद करा दिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो ये सारे एलिमेंट्स आपको आ गए होंगे एकदम बढ़िया से, तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स को भी आपने याद कर लिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बीच में जो आता है ना डी ब्लॉक वाला एलिमेंट, वो हमारे लिए थोड़ा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि पी ब्लॉक वाला है, तो पहले हम लोग पी ब्लॉक वाला सीख लेंगे, फिर डी ब्लॉक वाला भी सीखेंगे, बट हम लोग पी ब्लॉक वाला पहले सीखते हैं। तो चलिए पी ब्लॉक में शुरू करते हैं, हम लोग पी ब्लॉक का अब आ जाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पहले सीखते हैं, पी ब्लॉक्स के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक्स में सबसे पहला ग्रुप जो होता है, हम लोग ग्रुप वाइज चूँकि सीख रहे हैं, है ना, पहला ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, है ना, वो होता है आपका 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट को सीखेंगे, है ना, 13 ग्रुप के एलिमेंट को सीखेंगे। तो 13 ग्रुप में क्या होता है, देखो बोरोन होता है ना, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, एंथैलियम होता है। ये दिख रहा है नीचे वाला, क्या देख लेता हूँ एक बार, हाँ दिख रहा है, चलिए इंडियम होता है, थैलियम होता है। तो ये एलिमेंट्स आपके होते हैं। अब यहाँ इसका जेड को भी देख लेते हैं, जेड क्या होगा इसका, एटॉमिक नंबर, है ना, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, बोरोन, देखो ये बेरिलियम के जस्ट बगल में आता है ना, तो आप इसको का एटॉमिक नंबर कितना बोलोगे, 4, बेरिलियम के बगल में, ठीक है, इस तरह से तो 4 हो गया, 4 के बगल 5 हो गया, तो ये 5 हो गया।
अब यहाँ से हम लोग मैजिक नंबर का यूज़ करेंगे। तो मैजिक नंबर का यूज़ कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे हम लोग। तो पहले वाले एस ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट ग्रुप में 2, 8, 8 ऐसे बढ़ा रहे थे, सेकंड ग्रुप में 8 से शुरू किए थे, 8, 8, 18, 18, 32। अब यहाँ भी 8 से ही शुरू होगा, है ना, यहाँ भी 8 से ही शुरू होगा। तो 8 मैजिक नंबर मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे 13 लिखूँगा, लेकिन फिर से 8 नहीं बढ़ाऊँगा, फिर से 18 बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है पी ब्लॉक में थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 8, 3, 11 और 1, 1, 2 और 1, 3 8, 3, 11, 1, 1, 2, 1, 3 31। फिर यहाँ पे 18 बढ़ाऊँगा, है ना, बाकी के चीज़ें सेम रहेंगे, 18, 18, 32। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 1, 9, 3 और 1, 4 49। फिर से मैं 32 बढ़ाऊँगा और ये कितना हो जाएगा, देखो 32 बढ़ेगा तो 9, 2, 11 हो गए और 4, 3, 7 और 1, 8 81 हो गया, 9, 2, 11, 4, 3, 7 और 1, 8 81 हो गया। तो देखो आप एटॉमिक नंबर आपको मिल गया 5, 13, 31, 49 और 81। तो इस तरह से हमारा एटॉमिक नंबर याद हो जाता है ग्रुप 13 का। अब रही बात, ये तब तक ये तभी आपको याद रहेगा ना जब आपको ये याद रहेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि किसका क्या है, फिर गोल हो गया सब। तो इसको भी याद रखना है, तो इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें याद रखना है जैसे हमने पहले देखा। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होगा कि आपकी माँ सपोज दैट, या आपके पेरेंट हो, या आपके घर वाला हो, आपका बड़ा भाई हो, या आपकी बड़ी बहन हो, है ना, कोई भी है जो अक्सर आपको ऑर्डर देता है, घर वाले बड़े लोग ऑर्डर देते हैं छोटे लोगों को, छोटा भाई जाओ मार्केट जाओ, है ना, और मम्मी के लिए, हालांकि ऐसा हुआ कि मम्मी ने बड़े भाई को बोल दिया है कि बेटा जा सब्जी मार्केट से लेके आ, है ना, तो बड़ा वाला छोटे वाले को चिपका दिया कि ले ले तुम जा और सब्जी लेके आ। तो सब्जी लेने गया भाई छोटा भाई, मजबूर में गया सब्जी लेने, गया जाता है और मार्केट से बैंगन उठा लाता है, आलू उठा लाता है, गाजर उठा लाता है, है ना, उसको एक थैले में भर के लेके आता है, ठीक है, और थैला किचन में रख देता है। फिर माँ बोलती है कि बेटा क्या सब्जी लाया, तो बोला छोटा बेटा कि माँ मैं आलू और बैंगन लाया, आलू लाया, गाजर लाया हूँ जो कि थैले में पड़ा है। तो मैं उसको ऐसे बोलूँगा कि बैंगन, आलू, गाजर, है ना, इन थैला, है ना, बैगन, गाजर, आलू इन थैला, ऐसा बोलूँगा। तो बैगन मतलब बोरोन हो गया, आलू मतलब एल्युमिनियम हो गया, गाजर मतलब गैलियम हो गया, इन मतलब इंडियम हो गया, और थैला मतलब थैलियम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमें सीन याद रखना, अगर सीन याद रखोगे तो ये सब तो अपने आप ही याद रखेगा, कहानी याद रखो। तो कहानी के मदद से हम लोग इस तरह से सीखेंगे चीज़ें। चलिए सही है, सही जा रहा है ना, चीज़ें दिख भी रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। थैलियम का 81 होगा, नीचे नहीं दिख रहा है तो आप लिख लेना, हालांकि आप एडिशन कर रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो इस तरह से हमने 13 ग्रुप्स के एलिमेंट को भी सीख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं 14 के ऊपर, है ना, 14 के ऊपर। तो ग्रुप 14 में हम लोग बात करते हैं, है ना, ग्रुप 14 शॉर्ट में लिख देता हूँ GR, है ना, ग्रुप 14 में आ जाते हैं। तो ग्रुप 14 में कौन कौन एलिमेंट है, तो देखो ग्रुप 14 में कैसे याद रखोगे, है ना, ग्रुप 14 में कौन कौन है, कार्बन है, है ना, सिलिकन है, जर्मेनियम है, टीन है एंड लेड है, है ना। तीन को SN बोलते हैं, स्टेनम और लेड, प्लम्बम, इन दोनों लैटिन नाम से आता है, मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। इसका जेड की बात करूँ आपको तो जेड फिन सेम मैजिक नंबर रिपीट होगा यहाँ भी। कार्बन का आपको पता है 6 होता है, बोरोन बगल में है। अब यहाँ से इंक्रीमेंट कैसे करेगा,
मैजिक नंबर 8 को बढ़ाएंगे हम लोग, फिर 18 को बढ़ाएंगे हम लोग, तो 18 हो गया, कितना हो गया भाई, 18 बढ़ा तो 32 हो गया, फिर से हम लोग 18 को ही बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया ना, 50 हो गया, और फिर से हम लोग 32 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 82 हो गया। तो इस तरह से आपका इसके एटॉमिक नंबर मिल गए, लेकिन ये एटॉमिक नंबर का कोई मतलब नहीं जब तक कि आपको एलिमेंट याद ना हो। तो चलिए हम लोग एलिमेंट को भी सीखेंगे कि कैसे याद रखना है। तो एलिमेंट को कैसे सीखेंगे, तो यहाँ भी एक कहानी क्रिएट करेंगे, है ना, हर जगह एक कहानी माहौल क्रिएट करने के बाद अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए, तो एक ऐसा हिंदू गॉड का नाम बताओ जो हमेशा अपने फैमिली के साथ होते हैं, मतलब उनका अकेला फोटो बहुत कम और रेयर मिलता है, ज़्यादातर वो हमने अपने परिवार के साथ ही देखे जाते हैं। हर जगह आप उनको देखे होंगे कि अपने परिवार के साथ ही उपस्थित हैं, है ना, विराजमान हैं। तो आप ऐसे गॉड का नाम बताओ कौन है वो। तो आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट हो गया होगा, है ना, भगवान भोले, है ना, शंकर भगवान। तो शंकर भगवान अपने फैमिली के साथ होते हैं, आप देखे होंगे कि उनके साथ उनकी पत्नी, बेटे, है ना, सब होते हैं, दो बेटी हैं, है ना, हम दो, हमारे दो वहाँ पे हैं सारे लोग, तो वही याद रखेंगे आप लोग, है ना, फैमिली फ़ोटो याद रखेंगे, है ना, शंकर भगवान का फैमिली फ़ोटो। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, कार्तिक उनका है पहला बेटा, कार्तिक, है ना, शिव हैं, गणेश, है ना, गणेश, संग में पार्वती हैं, है ना, संग में पार्वती हैं। तो कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, इस तरह से, है ना, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। तो कार्तिक जी हैं, शिव हैं, गणेश हैं, उनके संग में पार्वती भी हैं। तो ऐसे याद रखोगे, कार्तिक मतलब कार्बन, शिव मतलब सिलिकन, गणेश मतलब जर्मेनियम, है ना, संग, 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 संग में है संग भी, है ना, पार्वती जी, है ना, जीवन संगनी, संग में है जीवन संगनी, ऐसे याद रखो, है ना, संग में है जीवन संगनी यानी कि पार्वती। तो कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। तो आपको इस तरह से आसानी से ये सारे एलिमेंट्स याद हो गए होंगे। तो देखिए कितना आसान है चीज़ें याद करना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इतना क्लियर है, तो आप इसे लिख लो। अब नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक ग्रुप और सीख लेते हैं यहाँ पे, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाऊँगा, मैक्सिमम आधे घंटे का। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा ना हो, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है, और मैं एडिट करके तो डाल नहीं रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट रिकॉर्ड, एकदम रॉ फाइल एकदम अपलोड हो जाएगा ये। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, कट कुट तो नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग ग्रुप 15 पे। तो ग्रुप 15 में कौन एलिमेंट्स हैं, तो देखो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबडेनम है जिसको एंटीमनी बोलते हैं, है ना, एंड लास्ट में बिस्मथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबडेनम एंड बिस्मथ। तो ये आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखना है एटॉमिक अलोंग विथ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भाई तो आपको याद हो गया होगा कि क्या करना है। तो आपको पता है नाइट्रोजन है कार्बन के बगल में, तो 7 होगा, एक बढ़ा देंगे, और नीचे जाते समय मैजिक नंबर का यूज़ करेंगे, 8 यूज़ करेंगे, तो यह हो गया 15, फिर 8, फिर क्या करेंगे, 8 मैजिक नंबर का यूज़ किया गया, फिर 18 का यूज़ होता है, तो 18 यूज़ करो, तो क्या हो जाएगा ये 8 × 5 = 13, है ना, और 1 × 1 = 2 और 1 = 3, है ना, तो ये 33 हो जाएगा, 8 × 5 = 13 और 1 × 2 = 3 हो गया, तो 33 हो गया।
और फिर उसके बाद 18 ही यूज करेंगे तो 8, 8 3 11, 1 3 1 4 और 1 5 हो गया, 51 हो गया। फिर उसके बाद 32 यूज कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 5 3 8, मतलब 83 हो जाएगा। तो देखो 83 हो गया, तो आपको एटॉमिक नंबर तो बहुत आसानी से मिल गया। अब इस एलिमेंट को याद रखना है, तो इस एलिमेंट को कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए भी हम लोग एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी सीन क्या है भाई, तो इसके लिए सीन है इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप आपको पता होगा कि कुछ इस तरह का मैप है, मैं एग्जैक्टली मैप नहीं बना रहा हूँ बट आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया का मैप तो आप सब बच्चों को पता होगा कि कैसा इंडिया का मैप दिखता है ना। तो इंडिया का मैप जो है आपको पता होगा कि किस तरह का दिखता है। मैं बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो गया, छोटा ही बनाता हूँ है ना। तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह का दिखता है, है ना। ये रहा इंडिया का मैप है, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सारा इस तरह का कुछ दिखता है इंडिया का मैप है ना, एग्जैक्टली इस तरह का ही कुछ दिखता है। तो आप देखो कि इंडिया का चौहद्दी क्या है, मतलब इंडिया के चारों तरफ अगल बगल वाले देश कौन है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ नेपाल है, क्या दिखेगा यहाँ पे आपको, नेपाल दिखेगा है ना, नेपाल दिखेगा। और इधर क्या दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा है ना, नेपाल है इधर पाकिस्तान है। और इधर कहीं पे दूर है ना, ऐसा नहीं मतलब यहाँ तो श्रीलंका है, यहाँ पे वियतनाम वगैरह हो जाता है ना, और कुछ और कंट्री है इधर, बट उनसे दूर उधर, इधर कहीं पे टापू टाइप का ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये याद रखना है। अब आपको ये बताओ कि नेपाल कैसा देश है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया, और पाकिस्तान कैसा देश है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया है ना। भारत के तुलना में नेपाल एंड पाकिस्तान कैसा देश है, अमीर है या गरीब है। तो सभी को पता है कि ये थोड़े से इकोनॉमिकली पुअर कंट्री हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया है ना, गरीब देश है। और हम लोग गरीब को मतलब अगर बहुत ही फूहड़ लैंग्वेज में बात करते हैं है ना, गाली के लैंग्वेज में स्लैंग भाषा यूज़ करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं भिखारी है ना। गरीब को अगर पूरा नीचा दिखाना तो भिखारी टाइप बोल देते हैं ऐसा कुछ है ना। तो ये पाकिस्तान और नेपाल जो है ये भिखारी देश है भारत के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा याद रखो है ना, भिखारी देश है ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ट्रिक है, आप कोई ऐसा लोग हो तो इसको दिल से मत लेना, ये हम लोग ट्रिक के तौर पे इसको याद रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया जो है ये भिखारी नहीं है, है ना, ये मतलब गरीब देश नहीं है, ये अच्छा खासा अमीर है। तो फिर भी हम लोग याद रखने के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है ना, सब भिखारी है ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब नेपाल का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन। पाकिस्तान का मतलब हो गया फास्फोरस। ऑस्ट्रेलिया का मतलब हो गया आर्सेनिक। सब मतलब सबडेनम एंटीमनी, और बिस्मथ हो गया भिखारी। तो देखो यहाँ पे हमें बहुत आसानी से ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 15 के याद हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए तो ये रहा आपका है ना 15 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अलोंग विथ एटॉमिक नंबर। मैंने कोशिश करा है बहुत आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का, और इजी से इजी तरीका में आपको याद रखने का है ना उपाय बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आगे से लेक्चर में बने रहोगे। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ। तो यहीं पे हम लोग अपने लेक्चर को विराम देते हैं। थैंक यू।